हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संध्या और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं आपको हमारे सोशल मीडिया पर जितनी भी ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही है उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के अचीवमेंट के बारे में। हाल ही में कोको मेलन यूट्यूब चैनल ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, अभी तक सिर्फ टी सीरीज़ एंड प्यूडीपाई ही ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जिसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे, बट अब कोको मेलन थर्ड नंबर पर आ चुका है। सो इसके रिगार्डिंग कोको मेलन ने एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पोस्ट की थी और उन्होंने इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, व्लॉग वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ़ कोई नेगेटिव वीडियो बनाता है या फिर हेटरेट फैलाने की कोशिश करता है तो वो सीधा उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक यूट्यूबर है जिसका नाम राजीव कुमार है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उस पर आरोप है कि उसने एक लड़की से, जिससे उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। उसके बाद उसने, राजीव कुमार ने, उस लड़की के ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके कारण उस लड़की को होश नहीं आया और उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत की और उसका वीडियो तक बनाया और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल भी किया। हालांकि लड़की ने उसको उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी, उसके बावजूद भी राजीव ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उसके बाद उस लड़की ने पुलिस केस कर दिया उस पर और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार कह रही है कि वो एक यूट्यूबर है, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला है कि उनका कोई चैनल भी है, क्योंकि कभी भी राजीव कुमार ऐसे किसी यूट्यूबर के बारे में हमने भी नहीं सुना। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 8-bit थग के बारे में। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और उन्होंने ये बताया कि वो बहुत ही जल्द इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग रूम रिवील करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए वेट करते हैं, देखते हैं वो कैसा होता है। इसी के साथ डिवाइन बन चुके हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट रैपर टू फीचर ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर्स। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है मिस्टर बीस्ट के बारे में। उन्हें मिल चुका है स्ट्रीमीज क्रिएटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए ट्विटर पर अपने ये पोस्ट डाला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जट प्रभजोत के बारे में। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी, कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट किए थे जिस पर वो फार्मर्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। तो उसी पर कुछ लोगों ने कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स किए थे, हेटरेट फैलाने की कोशिश की थी, जिस पर जट प्रभजोत ने भी उनका रिप्लाई दिया था और उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी उसके रिगार्डिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं इसी तरह आपके लिए सोशल मीडिया पर जितनी भी ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही है उन सब की न्यूज़ आपके पास लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।